हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से एसएनटी हेल्पर का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे, इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बताएंगे। आरआरसी एग्जामिनेशन के थ्रू जो है एसएनटी हेल्पर का रिक्रूटमेंट निकलता है, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी न किसी कंसर्न डिवीज़न में आपको पोस्टिंग की जाएगी। जब कंसर्न डिवीज़न में आप पोस्टिंग हो जाएगी तो आपका जो जनरली जहाँ भी सेक्शन में या स्टेशन पर आपकी जो पोस्टिंग की जाएगी, आपके स्टेशन पे पोस्टिंग करने के बाद जो है आपका जनरली जो वर्क रहता है, ज़्यादातर केसेस में आपको डे में ही वर्क रहता है। आप बहुत बड़े स्टेशन पे हैं तब तो शिफ्ट में ड्यूटी की जाती है। जैसे कोई डिवीज़न है तो वहाँ पे क्या है, 24 आवर वहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट चलती है। अगर कोई छोटा स्टेशन है, रोड साइड स्टेशन है, तो उसमें जो है आपका डे में ड्यूटी रहेगी। कोई इमरजेंसी जो केस होता है तो उसमें कोई फेलियर वगैरह नाइट वगैरह में हो गया तो आपको चाहे IBS का जो लोकेशन होता है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन, वहाँ पे हट वगैरह बने रहते हैं, उसमें जो कोई सिग्नल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उसमें कोई फेलियर वगैरह होता है तो वहाँ पे जाके आपको सही करना रहता है। या किसी लोकेशन पर जैसे ट्रैक वगैरह में पॉइंट वगैरह पे कुछ अगर आपके प्रॉब्लम है या कोई फेलियर हो गया है तो वैसे केस में आपको जाके देखना रहता है कि सिग्नल क्यों नहीं आ रही है, ये वर्क रहता है। और आपको जो है ESM जो होता है, टेक्नीशियन Grade 3 और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर, उनके साथ कार्य करना रहता है। और उसके ऊपर जो होता है JEE SNT होता है। तो ज़्यादातर आप ESM के साथ ही रहेंगे, और या कहीं जैसे सेक्शन वगैरह में कहीं रेल चेंज किया जा रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, PWI अगर कर रहा है तो वहाँ भी आपको जैसे कोई ग्लू जॉइंट वगैरह अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर होल वगैरह करना पड़ता है, और ताकि उसमें बॉन्डिंग वायर जो है वो लगाया जाता है ताकि रेल में जो है कंटिन्यूटी लाया जा सके। ये जनरली जो है यार्ड वगैरह में होता है। ब्लॉक सेक्शन में ज़्यादातर सिग्नल का बहुत कम ही इक्विपमेंट लगे रहते हैं। आपको ज़्यादातर वर्क जो किसी भी स्टेशन का जो यार्ड होता है उसी में रहते हैं, और या जो केबल वगैरह तो वैसे हर एक लोकेशन पर क्रॉस किए रहते हैं पूरे सेक्शन में, जैसे डिस्टेंस सिग्नल वगैरह जो लगे रहते हैं, इंटरमीडिएट डिस्टेंस सिग्नल वगैरह, या तो इस तरीके का जो सिग्नल वगैरह लगा रहता है। तो कभी कभार जैसे कोई वर्क वगैरह चल रहा है ट्रैक से संबंधित, जहाँ पे केबल वगैरह जो है प्रॉपर डेप्थ वगैरह में नहीं है, जैसे BCM मशीन चल रही है, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, तो ऐसे केसेस में क्या है आपको केबल वगैरह देखना रहता है कि ये हमारा प्रॉपर डेप्थ में है कि नहीं। अगर मशीन चलेगी तो कट वगैरह तो नहीं होगा। या इसके अलावा जैसे कोई पैकिंग मशीन वगैरह जो अगर यार्ड में काम करेगी तो उस केस में भी जो है आपको एक्चुअली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ कार्य करना पड़ता है। जैसे वो जो पॉइंट वगैरह का जो एक्चुअली जो मोटर वगैरह जो लगे रहते हैं वो सारे जो है सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे टंग रेल स्टॉक रेल का जो सेटिंग होता है वो मोटर के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो उसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो होता है वो SNT डिपार्टमेंट करता है। और रेल उसमें जो टंग स्टॉक रेल लगे रहते हैं वो इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन जो मोटर लगे रहते हैं वो सारे SNT डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल अगर माना जाए, या इसके अलावा जैसे पॉइंट वगैरह में जो है उसमें ग्रीसिंग वगैरह या वॉयलिंग वगैरह जो है, ज़्यादातर वॉयलिंग जो है वो करना पड़ता है, जैसे उसका जो फ्रीक्वेंसी है 15 डेज में उस तरीके का आपको करना पड़ेगा। और या कभी कभी बोल्ट वगैरह जो होता है जैसे मोटर वगैरह का जो टंग स्टॉक से लगे रहते हैं वो सब अगर लूज वगैरह है तो उसको टाइट वगैरह करना रहता है। यही सारे वर्क रहते हैं। ओवरऑल अगर माना जाए तो वर्क काफ़ी आसान है, ज़्यादा समस्या नहीं है, और जॉब करने लायक है। अगर आपको मौका मिलता है जो जॉब ज्वाइन करें। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल लगता अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।